और गाइस मेन इवेंट में होता है तगड़ा टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, सॉरी रॉ टैग टीम और स्मैकडाउन टैग चैंपियनशिप दाव पे लगे थी। वहाँ से थे अपने द उसोस और दूसरी तरफ थे अपने आर के ब्रो। मैच तो एक नंबर था, यहाँ से वहाँ हाई फ्लाइंग मूव, क्लासिक हाई फ्लाइंग मूव दोनों टैग टीम की तरफ देख रहे थे। वहाँ थे पावर हाउस अपने रैंडी ऑर्टन थे, लेकिन उसोस भी कुछ कम नहीं थे, वो भी आर के ब्रो रिडल रैंडी ऑर्टन रिडल को पटक पटक के मार रहे थे दोनों को। लेकिन गाइस उसोस के लिए एक प्लस पॉइंट था, रिंग साइड के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंज बैठे हुए होते हैं, लेकिन ज़्यादा मदद करते हैं, लेकिन रोमन रेंज ज़्यादा मदद करते हैं उसोस की। जब जब रिंग साइड के ऊपर कोई हादसा होता है वहाँ वहाँ रोमन रेंज थे, रिडल को गिराने का सोचा, फिर रैंडी ऑर्टन को अपना ब्लैक बैक हैच लगाने का, सबको रिंग साइड के ऊपर रोमन रेंज ने खदेड़ा था। रैंड आर के ब्रो या फिर रैंड ऑर्टन रिडल के लिए सबसे बड़ी परेशानी तो रोमन रेंज ही थे, क्योंकि पूरे मैच के बीच में डिस्ट्रक्शन थी रोमन रेंज की। और द उसोस फिर फाइनली मिलते हैं हमें न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस इन द हिस्ट्री ऑफ द WWE, द उसोस या फिर द ब्लड लाइन बन जाते न्यू टैग टीम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस।